हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 विज्ञानस्य चमत्कार मिरेकल्स ऑफ साइंस ऑफ आवर संस्कृत वर्कबुक। इट इज स्टैंडर्ड 7th संस्कृत वर्कबुक। इन दिस लेसन फॉलोज संस्कृत नेम्स ऑफ मिरेकल्स लाइक साइंटिफिक instruments have been given. This vocabulary will prove useful in the practical use of this language Sanskrit. Chapter 6 आज हम start करेंगे workbook में, और textbook already हमने complete कर लिया है, chapter को समझ लिया है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ exercises देखने हैं. Exercise number 1. For each of the given question, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. MCQs questions है, 4 options है, और इनमें से एक right option है, choose करके box में लिखना है. Number 1. According to the lesson Vikyanasya Chamatkara, what is the era of? तो विज्ञान चमत्कार लेसन के हिसाब से what is this the era of? A number industries, B machines, C spirituality and D science. तो किसके बारे में ये बताया जा रहा है? साइंस के बारे में. जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? साइंस के बारे में. तो डी नंबर ऑप्शन होगा राइट. सेकंड नंबर, व्हाट डू वी वॉच इन ऑल प्लेसेस टुडे? व्हाट डू वी वॉच, हम लोग क्या देखते हैं इन ऑल प्लेसेस टुडे, आज के दिन में सभी जगह पर क्या देखते हैं हम लोग? A new fashion, B new industries, C miracles of science, D spiritual gurus and their advertisements. C number is right answer, miracles of science, science के चमत्कार. Third number, what can be done easily and speedily with a computer? कंप्यूटर से इजली और स्पीड के साथ, मतलब आसानी और तेजी के साथ हम क्या कर सकते हैं? ए नंबर कैलकुलेटिंग सम्स, बी वॉचिंग पिक्चर्स, सी मेनी टास्क, डी विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज. सी नंबर मेनी टास्क. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल सी एंड लिसन टू विद द मीडियम ऑफ टेलीविज़न? लोग क्या देख और सुन सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से? ए नंबर न्यूज़ मूवीज़ एंड वेरियस प्रोग्राम्स, बी न्यूज़ अबाउट ईच अदर, सी न्यूज़ एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशन, डी religious works and their utility. Right option is number A, news, movies and various programs. Fifth number, which is the fastest mode of transport? Mode of transport सबसे तेज कौन सा है? A car, a car, B a train, C an एयरक्राफ्ट, डी अ स्टीमर. सी इज राइट ऑप्शन, एन एयरक्राफ्ट. सिक्स नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज अ जर्नी बाय प्लेन गिव टू द ट्रेवलर्स? प्लेन की जर्नी, हवाई जहाज में यात्रा करना, यात्रियों को क्या देती है? तो चैप्टर में हमने पढ़ा था, ए हैप्पीनेस, बी फैसिलिटीज, सी
कंफर्ट, डी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. डी नंबर इज राइट ऑप्शन, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रोमांच प्रदान करती है. सेवेंथ नंबर, पीपल टॉक विथ ईच अदर विथ अ डैश, ए रेफ्रिजरेटर, बी एरोप्लेन, सी फैन, डी मोबाइल फोन. डी नंबर इज राइट ऑप्शन, मोबाइल फोन. एट्थ नंबर, डैश आकाश मार्गे चलती, ए व्यजनम, बी भ्रमण भाषा, सी विमानम, डी शीतकम. आकाश मार्ग से इनमें से क्या चलता है? सी नंबर इज राइट ऑप्शन, विमानम. नाइन्थ नंबर, यश संगणकम चालयति. तो चैप्टर में क्या था, सही था या गलत था? यश कंप्यूटर चलाता है, ए फॉल्स, बी डैश, सी ट्रू, डी डैश. सी नंबर इज ट्रू. सी नंबर इज राइट आंसर, ट्रू. टेंथ नंबर, डैश टेक्स अवे हीट. हीट मतलब गर्मी. गर्मी को कौन हटाता है या ताप कौन हरता है, जो चैप्टर में हमने पढ़ा था. ए अ फैन, बी एरोप्लेन, सी मोबाइल फोन, डी रेफ्रिजरेटर. ए नंबर इज राइट ऑप्शन, अ फैन. इलेवेंथ नंबर, फ्रॉम वेयर डू पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर, लोग ठंडा पानी कहाँ से पीते हैं. ए फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, बी फ्रॉम द अर्थन पॉट, अर्थन पॉट मीन्स घड़ा, सी फ्रॉम द रिवर, डी फ्रॉम द कूलर. ए नंबर इज राइट ऑप्शन, फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. फ्रिज में पानी ठंडा होने रखते हैं और वहाँ से पीते हैं ठंडा पानी. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू द लेसन. लेसन से राइट वर्ड लेकर के हमें यहाँ पर फिलअप करना है. तो ये हम चैप्टर से भी खुद से ढूंढ करके कर सकते हैं. नंबर वन, जनाः डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, लोग किससे आपस में बात करते हैं. तो भ्रमण भाषेण यानी कि मोबाइल से. सेकेंड नंबर, जनाः डैश शीतपेयम. शीतपेयम मतलब पीने वाली कोई भी चीज़ जो ठंडी हो. यहाँ पर हमने जल लिखा है. शीतपेय पानी भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, शरबत भी हो सकता है. तो जनाः शीतकस्य शीतपेयम पिबन्ति. थर्ड नंबर, विमानेन दूर स्थानस्य यात्रा शीघ्रं पूर्णा भवति. विमान से दूर स्थान की यात्रा शीघ्र पूर्ण होती है. फोर्थ नंबर, व्यजनं भ्रमणं करोति तापं च हरति. पंखा घूमता है, भ्रमण करता है और गर्मी को हरता है या गर्मी का नाश करता है. थर्ड नंबर, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट. यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृत वर्ड के इंग्लिश मीनिंग आपको कौन सा राइट मीनिंग है वो बताना है. नंबर वन, भ्रमण भाष, मोबाइल फोन. मैरी गो राउंड नहीं होगा, राइट होगा मोबाइल फोन. युगम मतलब इरा, कपल रॉन्ग होगा, इरा इज राइट ऑप्शन. थर्ड, वार्तालापम कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन राइट ऑप्शन होगा, डीलिंग रॉन्ग होगा. फोर्थ, संगणकम कंप्यूटर,
राइट होगा, कैलकुलेटर रॉन्ग होगा। फिफ्थ, शीत पेयम, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर राइट होगा, कोल्ड फैन रॉन्ग होगा। सिक्स नंबर, व्यजनम, फैन, फैन राइट होगा, आइटम रॉन्ग होगा। सेवेंथ, वार्ता, न्यूज़, न्यूज़ राइट होगा, स्टोरी रॉन्ग होगा। एट्थ नंबर, शीतकम, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर राइट होगा, कोल्ड रॉन्ग होगा। फोर्थ नंबर, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड दिया गया है, संस्कृत मीनिंग लिखना है। नंबर वन, मोबाइल फोन, भ्रमण भाषा। सेकेंड, टेलीविजन, दूरदर्शनम। थर्ड, मूवी, चलचित्रम। फोर्थ, रोटेट्स, चालयति। फिफ्थ, फैन, व्यजनम। सिक्स, एरोप्लेन, विमानम। फिफ्थ नंबर, चेंज द सेंटेंसेस इन प्लूरल एज शोन इन द एग्जाम्पल, सेंटेंस को प्लूरल में चेंज करना है, बदल देना है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। एग्जाम्पल, मानवः वृत्तपत्रम् पठति। अभी क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर तो सिंगुलर है, मानवा सिंगुलर है तो पठति इसके साथ लग जाएगा। अभी यहाँ पर मानवाह, मानवाह यानी कि बहुत सारे लोग, वृत्त पत्रम पठन्ति, तो मानवाह को हमने जब मानवाह किया प्लूरल तो पठति जो सिंगुलर के साथ लग रहा था क्रिया, वो पठन्ति हो जाएगा बहुवचन में। इसी तरीके से हमको सारा कुछ चेंज करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है। नंबर वन, मानवः जलम पिबति, मानवः जलम पिबन्ति। सेकेंड, मानवः चित्रम पश्यति, मानवः चित्रम पश्यन्ति। थर्ड नंबर, मानवः रोटिकां खादति, मानवः रोटिकां खादन्ति। फोर्थ नंबर, मानवः वनं गच्छति, मानवः वनं गच्छन्ति। सिक्स नंबर, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत, संस्कृत में वन सेंटेंस में आंसर लिखना है। अस्मिन् विज्ञान युगे अत्र तत्र सर्वत्र वयम् किम् पश्यामः, आज विज्ञान युग में यहाँ वहाँ सभी जगह हम क्या देखते हैं। उत्तरम्, अस्मिन् विज्ञान युगे अत्र तत्र सर्वत्र वयम् विज्ञानस्य चमत्कारम् पश्यामः, आज के विज्ञान युग में यहाँ वहाँ सभी जगह हम विज्ञान का चमत्कार देखते हैं। सेकेंड नंबर, जनाः अधुना परस्परं वार्तालापं केन साधनेन कुर्वन्ति, लोग आज के टाइम में आपस में बातचीत किस साधन के द्वारा करते हैं। उत्तरम्, जनाः अधुना दूरभाषेण, यानी कि दूरभाषेण फोन, भ्रमण भाषेण यानी कि मोबाइल फोन, वा परस्परम वार्तालापं कुर्वन्ति, लोग दूरभाष यानी कि टेलीफोन और मोबाइल फोन से परस्पर बातचीत करते हैं। थर्ड, जनाः शीतकस्य उपयोगं कथं कुर्वन्ति, लोग फ्रिज का उपयोग किस लिए करते हैं।
आंसर जनाः शीतकस्य शीतपेयम् शीतजलम् वा पिबन्ति लोग ठंडा जल फ्रिज का पीते हैं। फोर्थ नंबर कह संगणकम चालयति कौन कंप्यूटर चलाता है तो चैप्टर के बेस पर है क्वेश्चन यशः संगणकम चालयति। फिफ्थ संगणकेन विविधानि कार्याणि कथम भवन्ति कंप्यूटर से विविध प्रकार के कार्य कैसे होते हैं। संगणकेन विविधानि कार्याणि सरलतया शीघ्रं च भवन्ति। सिक्स नंबर दूरदर्शनस्य माध्यमेन जनाः किं पश्यन्ति श्रृण्वन्ति च दूरदर्शन के माध्यम से लोग क्या देखते और सुनते हैं। दूरदर्शनस्य माध्यमेन जनाः वार्ताः चलचित्राणि विविधान कार्यक्रमान् च पश्यन्ति श्रृण्वन्ति च। सेवेंथ नंबर विमानम केन मार्गेण चलति विमान किस मार्ग से चलता है विमानम आकाश मार्गेण चलति। एर्थ नंबर व्यजनम किम हरति व्यजनम तापम हरति। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश इंग्लिश में वन सेंटेंस में आंसर करना है। हाउ डज द सीलिंग फैन वर्क सीलिंग फैन यानी कि जो फैन हमारे घरों में लगा होता है सीलिंग से हमारे छत से वो कैसे वर्क करता है। द सीलिंग फैन रोटेट्स और द सीलिंग फैन रोटेट्स और द सीलिंग फैन रिमूव्स हीट बाय रोटेटिंग दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं द सीलिंग फैन रोटेट्स या फिर ये भी हम लिख सकते हैं द सीलिंग फैन रिमूव्स हीट बाय रोटेटिंग। सेकेंड नंबर व्हाट डज द ट्रेवलर फील बाय द जर्नी डन बाय प्लेन तो प्लेन में जो यात्री यात्रा करते हैं वो क्या महसूस करते हैं। द ट्रेवलर एक्सपीरियंसेस एक्साइटमेंट इन अ प्लेन जर्नी। थर्ड नंबर बाय विच व्हीकल इज अ जर्नी कंप्लीटेड टू अ फार ऑफ प्लेस किस व्हीकल से दूर की यात्रा कंप्लीट की जाती है। अ जर्नी टू अ फार ऑफ प्लेस इज कंप्लीटेड क्विकली बाय एन एरोप्लेन जल्दी किससे यात्रा की जाती है दूर की जर्नी बाय एरोप्लेन। फोर्थ नंबर हाउ डज अ फैन टेक अवे द हीट ऑफ द पीपल हाउ डज अ फैन फैन किस तरीके से लोगों की गर्मी का हरण करता है या गर्मी दूर करता है। अ फैन टेक अवे द हीट ऑफ द पीपल बाय रोटेटिंग रोटेट करके घूम करके। फिफ्थ नंबर व्हाट डू पीपल वॉच एंड लिसन थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीविजन व्हाट डू पीपल वॉच लोग क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं किसके द्वारा टेलीविजन के द्वारा क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। आंसर पीपल वॉच एंड लिसन टू न्यूज मूवीज एंड वेरियस various वेरियस प्रोग्राम्स थ्रू द
medium of television. Eighth number, translate the following sentence into Sanskrit. Sanskrit में translate करना है इन sentences को. Number one, this is a computer. एतत् संगणकम् अस्ति. Second number, अगर एतत् संगणकम् लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर एतत् संगणकम् अस्ति लिखते हैं तो भी right है. Second number, people watch television. जनाः दूरदर्शनम् पश्यन्ति. Third number, this is the era of science. एतत् विज्ञानस्य युगम्. Fourth number, people drink cold water of refrigerator. जनाः शीतकस्य शीतपेयं पिबन्ति. Fifth number, a journey done by plane is exciting. विमान यात्रा रोमांचम ददाति. Sixth number, the fan rotates. व्यजनम भ्रमणम करोति. Ninth number, एतत् translate the following passage into English. English में translate करना है. एतत् विज्ञानस्य युगम्, अत्र तत्र सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारान् वयं पश्यामः. एषा भ्रमणभाषा, जनाः भ्रमणभाषेण परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति. This is the era of science. We can see miracles of science here, there and everywhere. This is a mobile phone. People talk with each other with a mobile phone. Second number, etat sangadakam. Mihira sangadakam chalayati. संगणकेन विविधानि कार्याणि सरलताया शीघ्रं भवन्ति. एतत् दूरदर्शनम्. दिस इज अ कंप्यूटर. मिहिर ऑपरेट्स द कंप्यूटर. वेरियस VARIOUS वेरियस जॉब्स आर डन इजीली एंड क्विकली विथ अ कंप्यूटर. दिस इज अ टेलीविजन. थर्ड नंबर, विमानेन दूर स्थानस्य यात्रा शीघ्रं पूर्णा भवति. एतत् व्यजनम्, व्यजनम् भ्रमणं करोति. व्यजनम् तापं हरति. अ जर्नी टू अ फार ऑफ प्लेस इज कंप्लीटेड क्विकली बाय एन एरोप्लेन. दिस इज अ सीलिंग फैन. द फैन रोटेट्स. अ फैन रिमूव्स हीट्स सॉरी हीट. एक्टिविटी टाइम. एक्टिविटी टाइम, यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई हुई है ये ओन करने के लिए, ओन प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर थोड़ा हेल्प किया गया है. देख लेते हैं. नंबर वन, द टीचर विल टेक द स्टूडेंट्स टू कंप्यूटर एंड गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट इट. टीचर बच्चों को कंप्यूटर रूम में ले जाएगी और कंप्यूटर के बारे में उनको जानकारी देगी, यही बताया गया है इसमें. सेकंड एक्टिविटी में बोल रहे हैं, गो टू द लाइब्रेरी एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस साइंटिस्ट अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्कवरीज इन्वेंशन. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाइब्रेरी में जाइए और वहाँ पर आप कुछ बुक्स कलेक्ट करिए और उनमें से साइंटिस्ट और उन्होंने क्या खोज की उसके बारे में आपको लिस्ट बनाना है. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस साइंटिस्ट, अलग अलग कई प्रकार के साइंटिस्ट को उनके डिस्कवरी के साथ लिखना है. तो नीचे तीन कॉलम दिए हुए हैं साइंटिस्ट के नाम, डिस्कवरी उन्होंने क्या किया या क्या खोज की उन्होंने, इन्वेंशन क्या किया और किस ईयर में किया, ये आपको बताना है. तो यहाँ पर हेल्प की गई है, बट आप इनके अलावा कुछ और भी लिखना चाहे तो आप खुद से इसको कर सकते हैं. नंबर वन, जेम्स वॉट स्टीम इंजन की डिस्कवरी की थी उन्होंने, कब,
1765 में। सेकंड, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर 1834। थर्ड नंबर, मर्क्यूरी थर्मामीटर किसने, फारेनहाइट 1714। थॉमस अल्वा एडिशन ग्रामोफोन इलेक्ट्रिक बेल 1878। ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर 1642। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन 1876। एटोरिक्सली बैरोमीटर 1642। एर्थ नंबर, जॉन लॉगबर्ड टेलीविज़न 1926। नाइन्थ नंबर, रॉबर्ट एच गोडार्ड रॉकेट 1925। टेन, मैडम क्यूरी रेडियम 21 दिसंबर 1898। थर्ड नंबर, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ टेलीविज़न अ मोबाइल फ़ोन एंड अ सीलिंग फैन। तो ये ऑन करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है, यहाँ पर पिक्चर बनाना है, किसका किसका, टेलीविज़न की पिक्चर बनानी है यहाँ पर, मोबाइल फ़ोन की बनानी है और सीलिंग फ़ैन की, यानी जो घर में पंखे लगे होते हैं उनकी पिक्चर यहाँ पर बनानी है। तो ये खुद से वर्क करना है। नेक्स्ट है, नोट डाउन द मीनिंग ऑफ means of communication and transport that are there in your house। तो यहाँ पर जो आपके घर में means of transport और communication, communication क्या होता है, एक दूसरे से contact में रहना, जो हम बातचीत करते हैं, कभी किसी को चिट्ठी लिखते हैं, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं वो means of communication कहलाती हैं। और transport, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो means of ट्रांसपोर्ट कहलाती है। तो आपके घर में जो है उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर आप उनके ही नाम लिखेंगे जो आपके घर में है। तो पहले यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। नंबर वन पे यहाँ पर लिखा है बाईसाइकल। बाईसाइकल मैक्सिमम घरों में होता ही है। स्कूटर भी ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। मोटरसाइकिल भी होता ही है मैक्सिमम घरों में। फोर्थ नंबर, कार। तो जिसके घर में कार है वो यहाँ पर कार लिखेगा। इसके अलावा अगर कोई और भी व्हीकल्स है आपके घर में तो उसके नाम आप लिख सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हम किसी के द्वारा कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर नंबर वन पे लिखा गया है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। ये सब आज की डेट में मैक्सिमम घरों में होती हैं। तो आपके घर में जो भी है इनमें से आप लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर, प्रोजेक्ट वर्क। अंडरटेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट बाय ट्राइंग टू फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, बनाना है, या आरंभ करना जिसको हम बोलते हैं, शुरुआत करना जिसको बोलते हैं, और इनके आंसर आपको बताने हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन एन ट्रेन इन योर विलेज। तो ये आपको खुद से करना है, क्योंकि आपके गांव के बारे में आपको ही नॉलेज है, यहाँ पर कुछ हेल्प किया गया है, तो इसी प्रकार से आपको आंसर प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन योर ट्रेन इन अ ट्रेन इन योर विलेज। आपके गांव में सबसे पहले ट्रेन में यात्रा किसने की थी, ये आपको पता करना है और लिखना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लिखा गया है, राम भाई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन अ ट्रेन इन माई विलेज। इन हूज हाउस वॉज द फर्स्ट टीवी इंस्टॉल्ड इन योर विलेज। इंस्टॉल्ड मतलब स्थापित करना या फिर आया, जिसके भी घर में, किसके घर में आपके गांव में सबसे पहले टीवी आई। राम भाई's house was the first TV installed in my village। थर्ड नंबर,
मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन योर विलेज। उन सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम लिखने हैं जो आपके गांव में इस्तेमाल होते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने जान ही लिया जो हमारे घरों में है। अभी यहाँ पर बताना है जो हमारे गांव में इस्तेमाल होता है। तो आपके गांव में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती, वही आपको नाम लिखना है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके गांव में क्या क्या यूज़ हो सकती है, बस, कार, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, शिप, एयरप्लेन भी हो सकता है, टैक्सी भी हो सकती है, अगर है तो आप लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। Who bought the first mobile phone in your village? आपके गांव में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने खरीदा? राम भाई bought the first mobile phone in my village. Next है, has anyone of your village traveled in an aeroplane? क्या आपके गांव में किसी ने एरोप्लेन से हवाई यात्रा की है, एरोप्लेन से यात्रा की है? If yes, अगर हाँ, give their name. उनका नाम बताओ। Yes, someone of my village traveled in an aeroplane. किसी ने मेरे गांव में हवाई यात्रा की है। They are राम बाबू, राम भाई, विवेक भाई, गोपाल भाई। ये एक उदाहरण है, आपके गांव में अगर किसी ने की है तो आप उनके नाम पता करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। Thank you, take care.